देवभूमि प्रणाम, मैं अंजना ठाकुर हाजिर हूं ताजा समाचारों के साथ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। शिमला में बारिश ने ढाया कहर, दिन दहाड़े बाजार में तेंदुए ने तीन को किया लहूलुहान। बॉलीवुड तड़का होगा कम, प्रदेश के ज्यादा कलाकार। लैंडस्लाइड से मंडी मनाली नेशनल हाईवे जाम, दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर लंबी कतारें। पालमपुर अस्पताल के मरीजों को मिलेंगे निःशुल्क डायलिसिस इंजेक्शन। हिमाचल में नए कॉलेजों पर बैन। अब समाचार विस्तार से। शिमला में बारिश ने ढाया कहर। शिमला के बैनमोर वार्ड में सरकारी आवास के निकट चार पेड़ गिरे। बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले दो दिनों से जमकर बारिश हो रही है, जिसके कारण यहां पर देवदार के पेड़ भी गिरने लगे हैं। बीती रात से अब तक राजभवन के आसपास चार पेड़ गिरे। दिन दिहाड़े बाजार में तेंदुए ने मचाई अफरा तफरी। शिलाई उपमंडल के रौनहाट में एक तेंदुए ने दिन दहाड़े तीन लोगों पर हमला बोल दिया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है और दो जख्मी हुए हैं। तेंदुए के इस हमले से पूरे रौनहाट में खौफ का आलम बना हुआ है। बॉलीवुड तड़का होगा कम, मिंजर मेले में अब की बार प्रदेश की प्रतिभाएं दिखाएंगी दम। हिमाचली कलाकारों के साथ प्रदेश के पहाड़ी व लोक गायकों को भी अब की बार मिंजर मेला आयोजन समिति ने प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। लैंडस्लाइड से मंडी मनाली नेशनल हाईवे जाम, दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर लंबी कतारें। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश से लैंडस्लाइड नेशनल हाईवे 3 लगभग एक घंटे तक बाधित रहा। पालमपुर में मरीजों को पहली बार मिलेगी ऐसी सुविधा। नागरिक चिकित्सालय पालमपुर में डायलिसिस करवाने वाले रोगियों को इंजेक्शन निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री विपिन सिंह परमार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल में अब नहीं खोले जाएंगे नए कॉलेज। शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल में साक्षरता की समस्या नहीं है, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। देवभूमि प्रणाम।